हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल दिलीप फुआर जी में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सही होंगे। आज हम ये सीखेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन की वर्चुअल बटन को कैसे चेंज करेंगे यदि आप ओप्पो रेनो 2 या ओप्पो रेनो 2 आपका मॉडल यूज कर रहे हैं। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करें वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को टच करेंगे। सेटिंग में जैसे आएंगे तो यहाँ पे देख हमें ढूंढना है जहाँ पे कन्वीनियंस टूल हो। कन्वेंशन टूल्स पे एक बार टच कर लेंगे। टच करने के बाद में कन्वेंशन टूल को टच करने के उसका इंटरफेस ओपन होगा। इनके बाद हमें नज़र आ रहा है नेविगेशन बटन को एक बार टच करेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं 3 टाइप्स में। तो पहले वर्चुअल बटन को देख लेते हैं, वर्चुअल बटन में क्या क्या ऑप्शन है। वर्चुअल बटन में जो नॉर्मली सारे फ़ोन में आते वही है कि आप वर्चुअल बटन में 2 टाइप की है। यहाँ से लेफ्ट को राइट में बैक के लिए हम बैक बटन के लिए हम लेफ्ट में भी रख सकते हैं। अब बैक बटन को हम राइट में भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ से अभी आपका लेफ्ट में है, राइट में रखना होगा, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो इसी तरह से अपने आप हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं स्वाइप द बोथ स्वाइप गैजेट फ्रॉम बोथ साइड, इसे एक बार देखेंगे तो ये सिंगल बटन होगा। नीचे में डिस्प्ले के नीचे में आप देख सकते हैं कि सिंगल बटन है। जैसे इसे बैक करेंगे तो आप इसको वाइब्रेट करेगा, तो ये वाइब्रेट ऑन कर लीजिएगा कि वाइब्रेशन के लिए, क्योंकि हमें मालूम चले कि मेरा बटन मैंने काम किया तो थोड़ा वाइब्रेट करेगा फ़ोन, तो इसे ऑन कर लीजिएगा। अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या करना है। यहाँ पे सिंगल बटन है। इसके बाद एक सबसे आ रहा है कि मोर का ऑप्शन, मोर पे देख लेते हैं क्या है। ये स्वैप बटन है, स्वैप बटन को देखते हैं इस पर टिक करके। स्वैप बटन में 3 टाइप्स हैं। जैसे आपका फर्स्ट पहला वाला देख लेते हैं, ये कह रहे हैं बैक ऑन बोथ साइड, इनका जो बटन है जो बैक के लिए, तो ये कह रहे हैं कि जब से लेफ्ट मेरा लेफ्ट हैंड में बैक बटन रहेगा और आपका बीच में होम स्क्रीन रहेगा। फिर ये भी कह रहे हैं कि स्वैप देन द होल द रिसेंट्री टास्क, ये भी कह रहे हैं कि बीच में का वही होगा। ये बैक दोनों साइड से हम बैक कर सकते हैं, इस बटन में बीच का होम बटन रहेगा। फर्स्ट नंबर वाले बटन है कि दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट में जो भी हम जब भी स्वैप करेंगे तो ये बैक ही जाएगा। अब बीच वाले बटन को एक बार स्वैप करेंगे तो ये होम स्क्रीन पे आएगा। अब बीच वाले बटन को 1 सेकेंड के लिए थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये रिसेंटली फाइल दिखाएगा। ये हो गया। दूसरा नंबर में देख लेते हैं, ये कह रहे हैं बैक ऑन द राइट। बैक ऑन द राइट का ये हो गया कि राइट साइड में जितने भी होगा राइट साइड के बटन को जैसे हम यूज करेंगे तो बैक में जाएगा। अब बीच वाले बटन को जैसे यूज करेंगे स्वैप में तो ये आपका होम स्क्रीन दिखाएगा, और आपका राइट वाले साइड का यूज करेंगे तो ये बैक जाएगा। ये दिखा भी रहा है, ये बता भी रहा है किस बटन से क्या होगा, डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसके बाद में बैक ऑन द लेफ्ट बटन का 3rd नंबर का देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्वैप द गो टू बैक, यानी लेफ्ट साइड का जो बटन यूज करेंगे वो बैक में जाएगा, और बीच वाले बटन को जैसे स्वैप करेंगे तो ये होम में जाएगा, और आपका राइट वाले साइड से यूज करेंगे तो रिसेंटली जो भी फाइल फोल्डर जो भी फ़ोन का हम कुछ भी ऐप वगैरह जो भी कुछ भी करेंगे वो टास्क वगैरह में रिसेंटली फाइल वो दिखाएगा यहाँ पे राइट साइड से। तो इसी तरह से अपने फ़ोन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हाइड है तो अभी बटन शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे कर देंगे, ये बटन थोड़ा दिखेगा मुझे, तो हम हाइड कर लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है हमें। हाइड वाले हम रखते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।